खबर, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। चुनाव में मुफ्त के वायदों पर सख्ती यहां पर बरतने की बात कही गई है। केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर राय मांगी है। दरअसल जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चुनाव से पहले पार्टियों के जरिए जो मुफ्त वायदे हैं, मुफ्त उपहार है, उसे बांटने के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसे लेकर आज सुनवाई होनी थी और इसी को लेकर चुनाव में मुफ्त के वायदों पर सख्ती यहां पर सुप्रीम कोर्ट की सामने आ रही है, जिसमें केंद्र को भी और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया। एहतेशाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। एहतेशाम, क्या कुछ अपडेट इस नोटिस को लेकर? देखिए, आमतौर पर चुनाव से पहले ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल बड़े लोक लुभावने वादे कर देते हैं, और जैसा कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता था, उसका भी जिक्र इस याचिका में किया गया, और अब वो ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में भी आ रहा है जिसमें अजीबोगरीब वादे कर दिए जाते हैं। जैसे कोई टेलीविजन सेट बांटने का वादा करता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो टेलीविजन सेट बांटेंगे। इसके अलावा अब बिजली मुफ्त देने के वादे किए जा रहे हैं, तो इस सब का बोझ जो है आम करदाता पर पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि इस तरह के जो वायदे करते हैं लोग, उन राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। शुक्रिया।